SRM टुडे शहर की आवाज। बुद्ध भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर जलाभिषेक करने पर पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा रोक लगाई गई है। सावन माह में भी ये रोक नहीं हटाई जा रही है, जिसके चलते शिव भक्तों और तीनों आरती मंडलों द्वारा जलाभिषेक पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आगामी 23 जुलाई को नगर की गांधी चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। सावन माह नजदीक है, इस दौरान शहर के लोगों की आस्था का केंद्र भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर में भोले के जलाभिषेक पर रोक होने से श्रद्धालुओं में उदासी का माहौल है। वही आरती मंडलों में इस रोक को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा है। इसी के चलते आगामी 23 जुलाई को तीनों आरती मंडल के सदस्यों द्वारा नगर के गांधी चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनका कहना है कि पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रावण मास में जलाभिषेक पर रोक का निर्णय लिया गया है, जबकि श्रावण मास में शिव भक्त अपनी आस्था भोले के प्रति व्यक्त करते हैं। पूरे साल में शिव भक्तों को श्रावण माह का इंतजार बेसब्री से रहता है, लेकिन भक्तों को भोले से इसी श्रावण मास में दूर रखा जा रहा है। इसी को लेकर नगर के गांधी चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन आगामी 23 जुलाई को किया जाएगा। श्रावण माह में सिर्फ एक घंटे के लिए जलाभिषेक पर से प्रतिबंध हटाने की मांग आरती मंडलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन उस पर भी प्रबंध समिति द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे आरती मंडलों में आक्रोश व्याप्त है। आरती मंडल के सदस्यों का ये भी कहना है कि वह भगवान का मंदिर है, किसी का प्राइवेट मंदिर नहीं है, इसीलिए जलाभिषेक पर रोक के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे और उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत आरती मंडल सदस्यों द्वारा आज SDM, CSP, अनुविभागीय अधिकारी, कंट्रोल रूम, यातायात प्रभारी को सूचनार्थ दिया गया, जिससे कि प्रशासन भी अपनी व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहे। वही जलाभिषेक पर रोक को लेकर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने मूर्ति के शरण होने के बाद की पुष्टि की है, उसके बाद भी यदि जलाभिषेक पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो मूर्ति का धीरे धीरे शरण होगा और मूर्ति को बचाने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। 10 बजे से 3 बजे सोमवार को प्रातःकालीन आरती मंडल के और सभी तीनों आरती मंडल के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर एक विशाल धरना का कार्यक्रम रखा है। पशुपतिनाथ प्रबंध समिति जिस हठधर्मिता के साथ निर्णय ले रही है और बार बार हमारे निवेदन और हमारे आवेदन को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, और हमने उनसे निवेदन किया कि श्रावण मास हमारा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र माह है और पूरे महीने सभी लोग भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, तो हमें अभिषेक और जलाभिषेक करने की और अभिषेक करने की सवेरे एक घंटे की अनुमति दी जाए, ताकि हम सभी भक्त लोग सवेरे अपने हाथों से भगवान को अभिषेक कर सकें। 11 महीने तक आप लोग जो आपने जो प्रतिबंध लगाया उसमें हम सब लोग आपके साथ खड़े रहे कि ठीक है, अगर मूर्ति का शरण हो रहा है तो हम 11 महीने तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक माह के लिए मात्र एक घंटे के लिए भी प्रशासन हमको अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी हठधर्मिता है। भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर पर सभी भक्तों का अधिकार है, यह किसी की प्राइवेट एजेंसी नहीं है, प्राइवेट मंदिर नहीं है कि वो अपने मन मर्जी के निर्णय ले। ऐसी हठधर्मिता के खिलाफ 23 तारीख को हम लोग धरने पर बैठ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया तो हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे मंसूर बंद, और फिर बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना। कहाँ का परमिशन लिया था आपने? अभी SDM साहब के यहाँ देके आए, CSP साहब को देके आए, अनुविभागीय अधिकारी को देके आए, यहाँ कंट्रोल रूम पे दिया और अपने ट्रैफिक कार्यालय पर दिया है, और तो सभी जगह हमने सूचनार्थ हमने दिए कि 11 गांधी चौराहे पर 10 बजे 23 तारीख को हमारा धरना है, व्यवस्था बनाने के लिए उनसे निवेदन किया है। किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा? प्रातकालीन आरती मंडल द्वारा विगत कई दिनों से माननीय अध्यक्ष जी कलेक्टर साहब हमारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष है, उनसे आरती मंडल ने निवेदन किया था कि श्रावण मास में हमें अभिषेक करने दिया जाए। पिछले कई वर्षों से हम प्रातकालीन आरती मंडल भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करते हैं नियमित रूप से श्रावण मास में, लेकिन इस बार प्रबंध समिति ने साफ इनकार कर दिया और हमने फिर पुनः निवेदन किया कि भाई हमें अभिषेक करने दिया, लेकिन एक बार भी किसी ने कोई बात नहीं सुनी और नकार दी गई पूरी बात को। उसके विरोध में प्रातकालीन आरती मंडल द्वारा गांधी चौराहे पर सोमवार को 23 तारीख को धरने का आयोजन प्रातकालीन आरती मंडल और शिव भक्तों द्वारा मंदसौर की जनता के द्वारा एक आंदोलन और धरना का आंदोलन किया गया है,
मैं सभी मंदसौर की जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धरने को सफल बनाए। सोमवार को प्रातः 10 बजे से सभी महादेव भक्त यहाँ पे धरना देंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा और इसके बाद भूख हड़ताल और अनशन होगी। भगवान महादेव विष्णुपति के सामने हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और जितने भी कांवड़ यात्री और भक्त आने वाले हैं उनको जल चढ़ाने की अनुमति दी। जनप्रतिनिधि आम जनता सब जान रही है, जिसको जनप्रतिनिधि मंदसौर का चुना है सबसे बड़ा बाधक वही बना हुआ है। यशपाल सिंह सिसोदिया वो रोक लगा रहे हैं, प्रशासन रोक लगा रहा है। सर, जो जल अभिषेक को लेकर अब सोमवार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, समिति के लोगों का कहना है कि आपके द्वारा रोक लगाई गई है और 11 महीने तक देर वेर लगना चाहिए, पर जो सावन का जो दिन आता है उसमें खुलना चाहिए। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं पूरा घटनाक्रम भावनात्मक तरीके से इसको टर्न किए जाने की कोशिश की जा रही, यू टर्न दिए जाने की कोशिश कर रही है। ट्रस्ट ने सावन मास में जल चढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं किया है, बल्कि हमने उसकी अवधि बढ़ाई है। अगर यूँ कहूँ कि सुबह 5:30-6 बजे से लेकर के अगर दर्शनार्थी आ जाएंगे पूरे सावन मास में 1 महीने तक, और रात को 10 बजे तक भी अगर जल चढ़ाने का काम करेंगे तो जल तो चढ़ेगा, दूध भी चढ़ेगा, लेकिन जो एक अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिमा को छूने की जो एक पाबंदी लगी है और जिसको लोगों ने लगभग 7 महीने से स्वीकारोक्ति दी है, और बड़े से बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे से छोटा सेवक भी क्यों ना हो, छोटे से छोटा मानसिकता वाला या भावना रखने वाला वह श्रद्धालु जो नियमित रूप से मंदिर में जाते हैं या तीर्थयात्री आते हैं, उन सब ने उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के अभिषेक के नाम पर या पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके जिस प्रकार से ऐसे ऐसे पदार्थ जिसके कारण से प्रतिमा का क्षरण हो रहा था, प्रतिमा का निश्चित रूप से डैमेज हो रही थी, और उसको लेकर के कोई एक व्यक्ति ने निर्णय नहीं किया, और ट्रस्ट के निर्णय के पहले भी जब आम जनता से संवाद किया और जब जगतगुरु शंकराचार्य दिव्यानंद जी तीर्थ ने भानपुरा पीठ के पीठाधीश्वर ने इस बात को स्वीकारोक्ति प्रदान करी कि हाँ, कोई आवश्यक नहीं है कि मंदिर के की प्रतिमा को छू करके ही हम अपनी भावना व्यक्त करें, हम बाहर से भी दर्शन करके और उसके प्रति भावना प्रकट करें, और ये ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का मामला हो या महाकाल का उज्जैन का मामला हो, कहीं ना कहीं प्रतिमाओं का थोड़े से शरण को लेकर के भी अगर आम भक्तगण, आम जनता या ट्रस्ट अगर चिंतित है तो हमने उस निर्णय को सर्वानुमति से किया है। कोई एक व्यक्ति इसमें अकेला निर्णय करने वाला नहीं होता है। धरना प्रदर्शन जो करने की बात की जा रही है, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात चल पड़ रही है कि श्रावण मास में भक्तों को भगवान से दूर रखा जा रहा है, श्रावण मास में भक्तों को भगवान से कतई दूर नहीं रखा जा रहा है। भावनाएं अपनी जगह है, पुष्पमाला भी चढ़ेगी, फूल माला भी चढ़ेगी, जल भी चढ़ेगा, पात्र के माध्यम से चढ़ेगा, गर्भगृह के अंदर प्रवेश जिस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है वो ट्रस्ट का निर्णय है, आम जनता का निर्णय है, अनेक संगठनों ने इसकी सहमति प्रदान की है, और हम तो मूर्ति को बचाने के पक्ष में हैं। ये मूर्ति हजारों हजार लाखों लाख साल तक रहना चाहिए। अगर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर पुरातत्व विभाग इस बात का प्रमाण दे देती है कि मूर्ति का डे टू डे क्षरण हो रहा है, ये मूर्ति कभी भी डैमेज हो जाएगी, ऐसा लिखित में अगर उनका कोई एक डॉक्यूमेंट है और एक दस्तावेज है, और पूरा तत्व विशेषज्ञों ने इस बात की खोजबीन भी की और इस बात का प्रमाण भी दिया है कि प्रतिमा को ज़्यादा लेप भी नहीं लगाना चाहिए, लेप के माध्यम से, चाहे फिर औरंगाबाद की टीम आई हो, चाहे और अन्य जगह की टीम आई हो, उससे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हम उसका लेप करा चुके हैं, और बार बार लेप कराने के बाद भी अगर हम बार बार प्रतिमा को घिसने का काम करेंगे, घर्षण करने का काम करेंगे, छूने का काम करेंगे, तो प्रतिमा का शरण होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।